अबू आजमी अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मैं अपने इलाका मानखुश शिवाजी नगर का बहुत इम्पोर्टेंट मैटर मैं हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं आदरणीय अजीत दादा पवार मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सर मैं पिछले 10 सालों से इसी हाउस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर रहा हूं परंतु सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय आज जब प्रदूषित शहरों का की गिनती हुई तो मुंबई उन प्रदूषित शहरों में आता है। मेरे इलाके में अभी लोगों के पास टीबी का मर्ज इतना बढ़ता जा रहा है सर और उसकी वजह यह है कि वहाँ सारा का सारा जितना मुंबई का कचरा है वही डंपिंग ग्राउंड में आता है और वहाँ SMS कंपनी है। डॉक्टर्स कहते हैं जब तक SMS कंपनी बंद नहीं होगी टीबी के मरीज यहाँ खत्म नहीं होंगे, कैंसर के मरीज खत्म नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी तरह से भी जब इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है और एक मैंने कई बार इस हाउस में कहा है कि मुंबई में सर्वे हुआ NGO का सारे मुंबई के लोगों की उम्र का एवरेज 60 से 70 साल है, वो NGO लिखती है कि मानखुश शिवाजी नगर मेरे विधानसभा में लोगों की एज का एवरेज 39 ईयर्स हो गया इन्हीं वजूहत से सर। और वहां पे अभी सरकार जो है वहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने जा रही है यानी वहां के लोगों को गैस के चैम्बर में रखना चाहती है। उसी के सामने सामने मुलुंड के अंदर जहां डंपिंग ग्राउंड है वहां जमीन बराबर करके गार्डन बनाया जा रहा है क्योंकि वहां एक विमल शाह की जमीन है 100 एकड़, उसकी जमीन को पे बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन हमवार की जा रही है और यहां इंसान नहीं रहते हैं क्या। मेरा सर आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दो चीजों पे ध्यान दे दीजिए कि वहां से SMS कंपनी हटाइए और वहां वेस्ट टू एनर्जी का जो प्लांट बन रहा है वो बंद कीजिए। तीसरे वहां बहुत ज्यादा नशे में लोग आदि हो गए हैं, पूरा इलाका बर्बाद हो रहा है। अगर 3 चीजों पे आप ध्यान देंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूंगा, वहां की जनता को नई जिंदगी मिल जाएगी सर। धन्यवाद सर।